ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, इंडेक्स के अंदर बेसिक एच टी एम एल आ जाएगी। अच्छा तो ये बेसिक एचटीएमएल है, इसके अंदर मैंने स्टाइल और सीएसएस लिंक कर दी है। जावा स्क्रिप्ट की फाइल लिंक करने के लिए कौन सा टैग यूज करूंगी? स्क्रिप्ट है। कहां पे डलेगा स्क्रिप्ट टैग? अच्छा स्क्रिप्ट टैग हम हेड के अंदर भी लिंक कर सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बॉडी के अंदर लिंक करेंगे, उसका रीजन क्या है ये मैं फिलहाल ही बताऊंगी आगे चल के। ठीक है, लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि आप जब भी जावास्क्रिप्ट लिंक करेंगे तो बॉडी की आखिरी लाइन के अंदर। ठीक है, बॉडी की आखिरी लाइन के अंदर, तो यहाँ पे बॉडी की आखिरी लाइन कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखूंगी स्क्रिप्ट और इसकी एस आर सी एट्रीब्यूट के अंदर क्या लिखेंगे? रिलेटिव पार्ट स्क्रिप्ट और जीएस। जी इसका रीजन जो आप थोड़ी सी जहाँ से सीख जाएंगे उसके बाद। ठीक है, यही रीज़न इसका रीज़न ये है, रीज़न बता देती हूँ। इसका रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट थोड़ी हैवी होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं पेज के शुरू में डालूंगी ना तो उसे लोड होने में टाइम लगेगा और जब तक वो लोड नहीं होगी तब तक आपकी एचटीएमएल नहीं चलेगी, तो यूज़र वाइट ब्लैंक स्क्रीन को देख। ठीक है, तो इसलिए ये मैं एंड पे लिखूंगी, स्क्रिप्ट वाला लिंक मैं एंड में लिखूंगी ताकि बेशक स्क्रिप्ट लिंक हो रही हो लेकिन एचटीएमएल ऑलरेडी लोड हो इसके मतलब जब तक हो। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, आप लोग बस ये अंडरस्टैंड करें कि ये बॉडी के लास्ट लाइन है। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे स्क्रिप्ट और जेएस के अंदर क्या करना है? अच्छा तो ये तो हो गए तीन तरीके जावास्क्रिप्ट ऐड करने के। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, एचटीएमएल एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक्सेस करने के लिए क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट करें, अगर मुझे ये एच वन एलिमेंट अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? मुझे सबकी आवाज़ आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर अगर मुझे एच वन को एक्सेस करना है तो क्या लिखूंगी? एच वन। टैग नेम सिलेक्टर भी यूज़ कर सकती हूँ, क्लास नेम सिलेक्टर भी यूज़ कर सकती हूँ और आई डी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे इसको प्रिंट कराना होगा तो इसके लिए मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग और इसके ब्रैकेट्स के अंदर ये क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, सेव, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। जी टू आ गया, सही है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ कंसोल डॉट लॉग पे जो चीज़ लिखी जाती है वो कहाँ पे नज़र आती है? कंसोल पे। ठीक है, यहाँ से कंसोल खोलेंगे और ये आ गया एच वन और जब मैं इस पर हॉवर करूँगी तो यहाँ पे भी नज़र आएगा। अगर मुझे एच वन नहीं पूरी की पूरी बॉडी प्रिंट करानी है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? टैग नेम बॉडी, रिफ्रेश और यहाँ पे वो पूरी बॉडी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आपको कोई एचटीएमएल एलिमेंट अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्वेरी सिलेक्टर। अगर आप डब्ल्यू थ्री स्कूल्स पढ़े हैं तो डब्ल्यू थ्री स्कूल्स के अंदर क्वेरी सिलेक्टर की जगह क्या लिखा हुआ है? गेट एलिमेंट फाइल। तो दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि गेट एलिमेंट फाइल आईडी के अंदर आप सिर्फ आईडी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
गेट एलिमेंट बाय आई डी, तो ये बॉडी मैं इसके अंदर नहीं लिख सकती क्योंकि बॉडी टैग नेम है, आई डी नेम है, ठीक है। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे कोई आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे मैं अगर एच वन को आईडी दूँ हेडिंग, इसको सेव कर देते हैं और फिर यहाँ पे मैं हेडिंग लिखूँ, इसको क्यों रिफ्रेश कर रही हूँ, इसको रिफ्रेश कर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे शो होगा क्योंकि मैंने अब आईडी सिलेक्टर यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपल एच वन लिखती तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता, नल प्रिंट होता, नल का मतलब कुछ भी, ठीक है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी में आप सी एस एस वाले सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, आपको आईडी नहीं ही देना, ठीक है। तो मुझे पर्सनली क्वेरी सिलेक्टर ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि आपको अगर सी एस एस आती है और सी एस एस के सिलेक्टर्स आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप सिंपली वो सिलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या प्रिंट करने के, मतलब क्या एक्सेस करने के लिए होता है? एलिमेंट, पूरा का पूरा एलिमेंट, मतलब ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग सब। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? इनर एचटीएमएल, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा कॉन्सोल लॉग, ये कॉन्सोल लॉग के ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। और जो भी मुझे प्रिंट कराना होता है वो मैं इसके अंदर लिखती हूँ। तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पूरा का पूरा एलिमेंट नहीं बल्कि उससे सिर्फ कंटेंट प्रिंट होगा, सही है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ, ये क्या प्रिंट हो रहा है? ये बॉडी का कॉन्टेंट प्रिंट हो, है ना। बॉडी का कंटेंट क्या है? कंटेंट वो चीज़ होती है जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आती है ना। तो ये रहा बॉडी का ओपनिंग टैग, ये रहा बॉडी का क्लोजिंग टैग और ये रहा उसका कंटेंट, सही है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बॉडी नहीं बल्कि एच वन लिखती तो क्या प्रिंट होता? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, ईजी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे डब्ल्यू थ्री स्कूल से भी देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, वो हमने देख लिया कि इनर एचटीएमएल को यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यूज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के जरिए हम एचटीएमएल की एट्रीब्यूट वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी को याद हो किस तरह करते हैं, अगर मुझे एस आर सी एट्रीब्यूट को चेंज करना होता तो मैं एस आर सी लिखती, अगर मुझे जिसके एट्रीब्यूट को चेंज करना था उस एट्रीब्यूट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मेरे एच वन के अंदर कोई एट्रीब्यूट है टाइटल और उसकी वैल्यू है टेक करो, सही है। इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अब जब मैं होवर करूँगी तो क्या आएगा? टेक करो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये वाली वैल्यू मैं एक्सेस करूँ कॉन्सोल के, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इनर एचटीएमएल की जगह क्या लिखूँगी? टेक करो टाइटल, हाँ टाइटल, ठीक है। तो आपको जो भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो आप डॉट के बाद उसका नाम, उस एट्रीब्यूट का नाम, ठीक है। सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? टेक करो। अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, अभी तो हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं, अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं कॉन्सोल डॉट लॉग नहीं यूज़ करूँगी बल्कि क्या यूज़ करूँगी, क्या यूज़ करूँगी? इक्वल टू का साइन, है ना, इक्वल टू का साइन और उसके बाद जो भी न्यू वैल्यू है। तो फॉर एग्जाम्पल न्यू वैल्यू है बाय बाय वर्ल्ड,
सही है, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। और अच्छा मैंने प्रिंट नहीं कराया यहाँ पे, अब जब मैं होवर करूँगी तो क्या आएगा, बाय बाय वर्ड। HTML के अंदर क्या था, टेक करो, लेकिन यहाँ पे टेक करो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वो वैल्यू जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके चेंज कर। सही है, अभी मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रही, अभी मैं पुराना वाला ही रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा वो पेज के लोड होने पे हो, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये पेज के लोड होने पे नहीं करके बटन के क्लिक पे हो, तो क्या करूँगी, ऑन क्लिक। तो यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, बटन के अंदर डालते हैं ऑन क्लिक और उसके अंदर कोई भी फंक्शन का नाम, तो क्या नाम दो उसको, चेंज टाइटल कर देते हैं, ठीक है। एंड में ब्रैकेट ज़्यादा नहीं भूलना आपने, और इसके कंटेंट में क्या लिखूं, चेंज मी, ठीक है। अब इस वाले नेम को मैं कॉपी करूंगी, कॉपी करना ज़रूरी है, अगर खुद से टाइप करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, इसलिए कॉपी करना है। और उसके बाद स्क्रिप्ट और js के अंदर अभी ये जो ये वाली स्टेटमेंट थी ये पेज पे ऐसे ही आ रही है, मैं अब इसको ऐसे ही नहीं करके उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फंक्शन, वो नेम और फिर उसके ब्रैकेट्स के अंदर ये वाली स्टेटमेंट। सही है, यहाँ तक कोई मुश्किल बात की है मैंने, नहीं ना, सही है। सेव रिफ्रेश, अब जब मैं यहाँ पे होवर करूँगी तो क्या आएगा होवर करूँगी, सबकी आवाज़ आनी चाहिए, टैग करवाएगा। लेकिन अब मैं जब चेंज मी पे क्लिक करूँगी तो उसके बाद क्या आएगा, बाय बाय, ठीक है। अच्छा उसके बाद W3 स्कूल्स में क्या लिखा हुआ है, जी हाँ, तो ये क्या कर रहा है देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बटन है उसके ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, अच्छा इन्होंने ऑन क्लिक पे ना सारी की सारी जावास्क्रिप्ट यहीं पे लिखी, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें हर चीज़ सेपरेट लिखनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट की अपनी फाइल के अंदर होनी चाहिए, सबसे में HTML की फाइल के अंदर होनी चाहिए, CSS की फाइल के अंदर होनी चाहिए, तो इसलिए हम इस तरह नहीं लिखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज, इनके पास दो इमेजेस हैं, एक इमेज में बल्ब ओपन है, एक इमेज में बल्ब ऑफ है, ठीक है। तो इन्होंने बटन के क्लिक पे इस जो बटन है उसके क्लिक पे इन्होंने पिक्चर की रिलेटिव पाथ चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब आप टर्न ऑन करेंगे तो SRC की कोई और वैल्यू होगी, टर्न ऑफ करेंगे तो कोई और। ठीक है, उसके बाद HTML के थ्रू आप स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इनलाइन स्टाइल्स देने के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो जिस तरह हम बाकी एट्रीब्यूट चेंज कर रहे थे उसी तरह हम स्टाइल एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे H1 एलिमेंट को स्टाइल्स देने हैं, स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, सेव रिफ्रेश, तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लू। अब अगर मुझे पेज के अगर मैं चाहती हूँ कि बटन क्लिक होने के बाद ये कलर ब्लू, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तो नहीं लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो फ़ौरन से आती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे script.js के अंदर टाइटल की जगह क्या लिखूँगी, स्टाइल, और स्टाइल की वैल्यू में क्या लिखूँगी, स्टाइल की वैल्यू यहीं से कॉपी करूँगी, यहाँ से मिटा के कॉपी करेंगे,
सेव और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. ठीक है, सेव, रिफ्रेश. अब यहाँ पे H1 का बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं है, लेकिन जब मैं बटन को क्लिक करूँगी तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह आप CSS भी चेंज कर सकते हैं. सही है, इसी तरह आप एलिमेंट्स को हाइड भी कर सकते हैं. आप यहाँ पे लिखें, अगर मैं चाहती हूँ कि बटन पे क्लिक करने पे, अगर मैं चाहती हूँ कि बटन को क्लिक करने पे H1 एलिमेंट गायब हो जाए, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, स्टाइल को मैं क्या दूंगी, डिस्प्ले नल, डिस्प्ले नल, सेव, रिफ्रेश. अब जब मैं चेंज भी पे क्लिक करूँगी तो ये गायब. ईजी, ठीक है. इसको इन्होंने लिखने का एक और तरीका भी बताया हुआ है, आप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले भी कर सकते हैं. सही है जी, गुड क्वेश्चन. मतलब आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, गुड, करके दिखाते हैं. यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, इसको लिखने का एक और तरीका ये है कि मैं लिखूँगी डॉट डिस्प्ले और यहाँ पे लिख दूँगी नल. सेव और रिफ्रेश. ये अभी भी वही काम करेगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगी तो ये गायब. ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन ये आया है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है. क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज करूँगी तो ये नहीं करेगा. यही का क्वेश्चन है ना. अभी मैं फॉन्ट फैमिली इस तरह चेंज करके देखती हूँ. फॉन्ट फैमिली क्या रखें, कर्सिव कर लेते हैं. सही है, सेव, रिफ्रेश. जब मैं चेंज मी पे क्लिक करूँगी तो इसका फॉन्ट फैमिली चेंज. सही है, इसको एक दूसरे वाले तरीके से करके देखें, दूसरे वाले तरीके से करके देखें. ठीक है, दूसरा वाला तरीका ये है कि मैं यहाँ पे डॉट करके लिखूँगी फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे कर दूँगी कर्सिव. लग तो नहीं रहा कि फ़र्क पड़ा है, अगर फ़र्क पड़ा होता तो वहाँ पे चेंज नहीं. ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता. सही है, तो यहाँ पे देखें एरर भी शो कर रहा है ना, और जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके इसे क्लिक करूँगी तो देखें यहाँ पे एरर आ रहा है. ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोट की हो, अगर आपके वेबसाइट में कोई भी एरर आ रहा होगा तो वो कहाँ पर शो होगा, कंसोल पे. तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक कर रही हूँ और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो मुझे कहाँ पे देखना चाहिए, मैं कंसोल पे चेक करूँगी कि क्या यहाँ पे तो कोई मसला नहीं आ रहा. ठीक है, खैर, तो यहाँ पे मसला एक्चुअली ये है कि अगर आपके पास किसी भी कोई ऐसी CSS प्रॉपर्टी है जिसके बीच में ये डैश आ रहा है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डैश करके नहीं लिखते, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डैश मिटा देते हैं और इसका जो F है उसको आप कैपिटल कर देते. सही है, नहीं, ठीक है, सेव, रिफ्रेश. अब जब मैं चेंज पे क्लिक करूँगी तो ये इस तरह. ठीक है, इसके लिए मैं एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ आपको. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर. अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आपको कॉन्सोल डॉट लॉक करनी है तो ज़रूरी नहीं कि आप हर मरतबा जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाके कॉन्सोल डॉट लॉक करके लिखें और फिर यहाँ पे आके चेक, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी अपना कॉन्सोल डॉट लॉक करें. ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1, तो यहाँ पे H1 एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है, अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट स्टाइल तो ये देखिए क्या आ रहा है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो सारी लिस्ट होंगी. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉन्ट फैमिली, कहाँ गया ये रहा, फॉन्ट फैमिली किस तरह लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह. ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए हम फॉन्ट फैमिली को डैश करके लिखे थे या अंडरस्कोर करके लिखे थे,
क्योंकि ये मुझे बता रहे थे इसको इस तरह। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक थोड़ा सा बोरिंग था, अब इसे इंटरेस्टिंग बना। ठीक है, अब हम इसे इंटरेस्टिंग इस तरह बनाएंगे कि अब हम ये देखेंगे कि CSS हम चेंज करेंगे। किसी के जरिए क्वेश्चन आया था कि CSS जब हम स्टाइल और CSS से चेंज कर सकते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे क्या, क्वेश्चन आया था जहन में? नहीं आया था क्वेश्चन जहन में? आया था, लेकिन क्वेश्चन वैलिड है ना कि जब आप सिंपल स्टाइल और CSS को यूज करके आप CSS चेंज कर सकते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप अगर आपने नोटिस किया हो, एक छोटी सी एग्जांपल है कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं, कुछ मोबाइल ऐप्स होती हैं जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट थीम और लाइट, है ना। जैसे गूगल मैप्स में अगर आपने देखा हो कि अगर आप वो ऐप रात के वक्त यूज़ करते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है, उसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ब्लैक हो जाता है और टेक्स्ट कलर येलो हो जाता है, और अगर आप दिन के वक्त यूज़ करें तो वो उसका लाइट थीम, है ना। तो अगर मैं सिंपल स्टाइल और CSS को यूज करके स्टाइल देती तो ये डिसाइड कैसे करता कि लाइट थीम शो करना है या डार्क थीम शो, है ना। समझ आ रही है आपको? सिचुएशन ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे लाइट थीम शो हो और किसी पर्टिकुलर टाइम पे डार्क थीम शो, ठीक है। तो ये डिसीजन वाली चीज क्या CSS कर सकता है? नहीं ना, तो ये डिसीजन वाली चीज कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पेज, मेरी जो वेबसाइट है, ये डिसाइड कर सके कि ये लाइट थीम शो करना है या डार्क थीम शो करना है, तो इसलिए मुझे जावास्क्रिप्ट की जरूरत, ठीक है। तो पहले मैं लाइट थीम बनाती हूँ, फिर डार्क थीम बनाती हूँ, फिर दोनों में चेंज करती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास लाइट, सही है, और यहाँ पे हम देखते हैं लाइट थीम किस तरह बना सकते हैं। लाइट थीम के लिए हम बॉडी को बैकग्राउंड कलर क्या दें, क्या दें बैकग्राउंड कलर? येलो दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो, और H1 को कलर दे देते हैं ब्लू, और बटन को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ऑरेंज, ठीक है। ये हमारा लाइट थीम होगा, सही है। इसको ये वाले स्टाइल्स हम CSS के अंदर डाल देते हैं, डॉट डार्क बैकग्राउंड, सॉरी डॉट डार्क नहीं डॉट लाइट, बैकग्राउंड कलर क्या था? येलो, और डॉट लाइट के अंदर जो H1 है उसका कलर था ब्लू, और डॉट लाइट के अंदर जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर था ऑरेंज, ठीक है। तो ये हो गया लाइट थीम। अब डार्क थीम ट्राई करते हैं, ठीक है। डार्क थीम के लिए, अच्छा यहाँ पे मैंने अभी क्लास लाइट दी हुई है, यहाँ पे अब करते हैं क्लास डार्क। डार्क थीम के लिए बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक। तो यहाँ पे कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और H1 का कलर करते हैं वाइट, कलर वाइट, और बटन का कलर करते हैं येलो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डार्क, सही है। तो ये वाले स्टाइल्स हम यहाँ पे दे देंगे, हम कहेंगे जब डार्क हो तो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ब्लैक, और डार्क के अंदर जो भी हेडिंग है उसका कलर होना चाहिए वाइट, और डार्क के अंदर जो भी बटन्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ऑरेंज, सही है। तो ये हो गया हमारा डार्क। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि यूज़र डिसाइड करे कि
कि उसे डार्क थीम ज़्यादा पसंद है या लाइट थीम ज़्यादा। समझ आ रही है? समझ आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दो बटन्स बनाऊंगी। ये वाला बटन मिटा देते हैं। पहला बटन क्या करेगा? डार्क थीम, और दूसरा बटन होगा लाइट थीम। डार्क बटन के अंदर मैं ऑन क्लिक बनाऊंगी, चूज डार्क। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं लिख रही हूँ चूज डार्क। उसी तरह यहाँ पे दूसरे बटन में मैं बनाऊंगी ऑन क्लिक, चूज लाइट। ठीक है, अब ये वाला नेम कॉपी करूँगी और यहाँ पे स्क्रिप्ट और जेएस के अंदर एक न्यू फंक्शन बनाऊँगी, चूज डार्क, और एक और फंक्शन बनाऊँगी चूज लाइट। ये नेम्स मैं कॉपी करूँगी वरना आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो ये चूज लाइट। अच्छा, अब चूज डार्क के अंदर मुझे क्या करना है? मुझे पहले सुडो कोड बताएं क्या करना होगा। सुडो कोड मतलब अपनी लैंग्वेज में बताएं कि जावास्क्रिप्ट में नहीं बताएं, ऐसे ही बताएं कि क्या करना होगा। आप यहाँ से बटन की वैल्यू यहाँ पे देख के बताएं क्या चीज चेंज करनी है। मुझे मुझे डार्क थीम पे क्लिक करो तो थीम डार्क हो जाए, लाइट थीम पे क्लिक करो तो थीम लाइट हो जाए। आपके ख्याल में किस एलिमेंट की कौन सी चीज चेंज करनी? क्लास की वैल्यू अगर डार्क होगी तो क्या होगा? डार्क। अगर बॉडी की क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लाइट होगी तो क्या होगा? लाइट। समझ आ रही है आप लोग को? स्टूडेंट समझ आ रही है? नहीं, तो मुझे क्या करना है? अगर यहाँ पे क्लास होगी डार्क तो यहाँ पे क्या होगा? डार्क। अगर यहाँ पे क्लास होगी लाइट, सेव, रिफ्रेश, तो थीम क्या होगा? लाइट। मैं ये चाह रही हूँ कि यूज़र खुद चूज़ करे कि थीम लाइट चाहिए या डार्क। तो मुझे किस चीज़ को चेंज करना चाहिए? बॉडी की क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करना है ना? सही है। तो मैं स्क्रिप्ट और जीएस के अंदर चूज डार्क के अंदर क्या करूँगी? मैं लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्या लिखूँ इसके अंदर? बॉडी। बॉडी की कौन सी एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है? क्लास। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? डॉट क्लास, और इसको क्या वैल्यू दूँगी? चूज डार्क है, डार्क। ठीक है, इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको क्या वैल्यू दूंगी? लाइट। सही है, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब यहाँ पे दो बटन्स हैं, एक डार्क थीम है, एक लाइट। सही है, डार्क थीम पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम गूगल पे सर्च करेंगे कि ये क्यों चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जे एस चेंज क्लास क्वेरी सेलेक्टर। यही मसला था ना? एंटर। अच्छा, सेलेक्ट एंड ऐड क्लास इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्लास चेंज करने के लिए आपको क्लास लिस्ट डॉट ऐड यूज करना होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है।
तो मुझे ये लग रहा था कि डॉट क्लास करने पे वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है. सिर्फ क्लास क्लास एट्रीब्यूट एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, तो इस तरह चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, मैंने एम डी एन पे चेक किया, एम डी एन पे लिखा हुआ था कि आप क्लासेस चेंज करने के लिए ऐसे नहीं बल्कि क्लास लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और इसके अंदर क्या लिखूंगी, डार्ट. ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब करते हैं तो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आता, तो इसलिए आप क्या यूज़ करते हैं, गूगल या एम डी एन या डब्ल्यू पी स्कूल या स्टैक ओवर फ्लो. ठीक है, तो इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे डार्क की जगह आ जाएगा लाइट. स्पोर्ट को देख लें, कोई मसला वसला है तो बताएं. ठीक है जी जी, मुझे क्लास आईडी क्लास लिस्ट की जगह उसके लिए कुछ और यूज, हाँ कुछ और ये क्लास लिस्ट. ठीक है, अच्छा आईडी के थ्रू आप ये नहीं करेंगे, आईडी जो है वो अच्छा इसको ठीक है. अब हम रिफ्रेश करते हैं. अब जब मैं डार्क थीम पे क्लिक करूंगी तो क्या और है, डार्क थीम, और जब मैं लाइट थीम पे क्लिक करूंगी तो क्या और है, लाइट, क्योंकि ये पहले से ही लाइट था. मैं काम करती हूँ यहाँ पे बॉडी से, ये ग्लास हटा देती हूँ. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है. जब मैं लाइट थीम पे क्लिक करूँगी तो ये लाइट हो जाएगा, और जब मैं डार्क थीम पे क्लिक करूँगी तो ये डार्क. सही है, सही है, ठीक है. और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास डार्क आ रही है. अभी यहाँ पे क्लास कोई भी नहीं आ रही, जब मैं लाइट थीम पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास लाइट. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, कोई बता सकता है क्या, अगर मुझे थीम चेंज करना है तो थीम चेंज करने से पहले आपने नोटिस किया मैं रिफ्रेश कर रही हूँ पेज, है ना, डार्क थीम पे क्लिक किया, अगर मैं रिफ्रेश करे बगैर लाइट थीम पे क्लिक करूँगी तो देखिए क्या क्या होता है. यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है. अभी क्लास क्या है, डार्क, जब मैं लाइट थीम पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए क्या और है, डार्क भी है लाइट भी है. ठीक है, तो अब ये कन्फ्यूज़ हो रहा है कि मुझे डार्क अप्लाई करना चाहिए या लाइट अप्लाई करना, प्रॉब्लम समझ आ रही है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे डॉट ऐड, ऐड का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग चीज़ में मज़ीद ऐड. ठीक है, तो इसमें डार्ट ऑलरेडी था, मुझे मैंने जब डॉट ऐड किया तो फिर लाइट भी आ गया लेकिन डार्ट था. ठीक है, तो पहले मुझे डार्ट को रिमूव करना चाहिए और उसके बाद लाइट ऐड करना, या पहले फिर लाइट को रिमूव करना चाहिए और उसके बाद डार्ट ऐड. ठीक है जी, सब्सक्राइब, हाँ मतलब नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐड यूज हो रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे मैं रिमूव यूज कर रही हूँ. ये आप गूगल से सर्च करें कि यहाँ पे आप लिखें हाउ चेंज हाउ रिमूव क्लास क्लास लिस्ट जीएस, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि एक रिमूव नाम की कोई चीज़ है जो ये काम करती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे और लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले रिमूव करेंगे लाइट. सही लिख रही हूँ, समझ आ रहे हैं या नहीं आगे वालों को, मानूर यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सैरिश, आ रहा है समझ. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या करूँगी, इसी तरह यहाँ पे क्या करूँगी, क्या करूँगी यहाँ पे, चूज, अच्छा सॉरी, चूज टाइटल के अंदर नहीं, चूज लाइट के अंदर क्या करूँगी, पहले रिमूव करूँगी डार्क,
रिमूव करूँगी डार्क और उसके बाद ऐड करूँगी लाइट. सही है, समझ आ रही है? ठीक है. अच्छा, वैसे अगर आप लोग को मुश्किल लग रही है, बोरिंग लग रही है, नहीं, अच्छा, अगर मुश्किल या बोरिंग लग रहा है तो ये अभी हमने जावास्क्रिप्ट प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट नहीं की. मैं चाह रही हूँ कि क्वेरी सिलेक्टर से जान छुटे तो फिर हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें. ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि एचटीएमएल को चेंज कैसे करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, लेकिन अभी प्रॉपर जो हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है वो नहीं. ठीक है, अच्छा, अब इसको रिफ्रेश करते हैं. अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा बॉडी पे क्या है, कुछ भी नहीं है. कुछ है बॉडी पे? नहीं. डार्क थीम पे क्लिक किया, क्या क्या आ गया? क्लास डार्क. अब जब मैं लाइट थीम पे क्लिक करूंगी तो क्या आएगा? लाइट. पहले से डार्क रिमूव किया, उसके बाद लाइट ऐड. ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पहले डार्क रिमूव करा और बाद में लाइट ऐड करा, क्योंकि ये सब कुछ फॉरन से हो रहा है. मतलब मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना, मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि पहले डार्क रिमूव हो रहा है उसके बाद लाइट ऐड हो रहा है. नज़र आ रही है हमें? नहीं. क्या करेंगे? कौन से प्रिंट करेंगे? इससे बेहतर तरीका क्या है? स्टेप बाय स्टेप अगर हमें कोई चीज़ चलानी हो तो क्या करते हैं? दूसरा वर्ड क्या? सोर्स. ठीक है, याद है हमने सोर्सेस टैब के अंदर जाके कोड को स्टॉप करना सीखा था? याद है ना? तो अब हमें नज़र आएगा कि ये इतना मैं क्यों स्ट्रेस करी थी कि ये आना चाहिए. मैं क्या करूँगी, यहाँ पे चूज डार्ट के अंदर लाइन को क्लिक करूँगी, यहाँ पे ब्लू कलर का कुछ आ जाएगा. ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आता है इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रेक पॉइंट कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इसे? ब्रेक पॉइंट. वो पॉइंट जहाँ पे कोड ब्रेक होता है. ठीक है, जहाँ पे कोड स्टॉप होता है. जी, कंसोल जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड रन करती है, मतलब आप जो भी इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो उसका आउटपुट शो करेगी. सोर्सेज जो है वो आपकी फाइल्स शो करती है और फाइल्स को स्टेप बाय स्टेप रन करती है. कंसोल में सिर्फ चीज प्रिंट होती है. ये रिमूव करके ऐड करने वाली चीज मैं स्टेप बाय स्टेप देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ब्रेक पॉइंट यूज. समझ आ रही है ये ब्रेक पॉइंट वाली चीज? इतने सोए हुए क्यों हैं? सही से बताएं, समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया है चूज डार्ट के अंदर. कोड यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं हुआ? रन ही नहीं किया मैंने. ये रन कब होगा? जब मैं डार्ट थीम को क्लिक करूँगी, है ना? तो डार्ट थीम पे क्लिक करते हैं, कोड यहाँ पे स्टॉप हो गया. ठीक है, अभी तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि कोड यहाँ पे स्टॉप हो चुका है. सही है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स पे देखूँ तो क्लास क्या आ रही है? लाइट. तो जब ये वाली लाइन मैं चलाऊंगी तो क्या हो जानी चाहिए? क्लास क्या होगी? रिमूव हो जानी चाहिए. ठीक है, तो मैं ये सेकंड वाला जो नेक्स्ट का बटन है इसे क्लिक करूँगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया और यहाँ पे सब कुछ वाइट कलर का हो गया. डार्क थीम, लाइट थीम, बटन्स वाइट हो गए, टेक्स्ट वापस से ब्लैक हो गया. ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स के अंदर देखूं तो यहाँ पे क्लास कौन सी आ रही है? कोई भी नहीं है. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लाइन जब रन करूँगी जिसके अंदर क्या है? ऐड है. तो नेक्स्ट लाइन रन की तो ये क्या हो गया? डार्क हो गया. और अगर अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स टैब को देखें तो क्लास क्या हो जाएगी? डार्क. सही है, तो इसलिए मैं बताई थी कि ये स्टेप बाय स्टेप रन करना आना चाहिए ताकि आपको नज़र आते है कि कौन सी लाइन क्या चेंज है और कौन सा चेंज कब आ. सही है, समझ आ रहा है यहाँ तक? यस. ठीक है, अभी तक मैंने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई, सब कुछ पुराना वाला ही पढ़ाया है.
ठीक है। अच्छा अब एक और काम करते हैं, आप लोगों को याद है जो वेदर ऐप मैंने दिखाई थी लास्ट क्लास, उसमें कुछ कंट्रीज में बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा था? ब्लैक। कुछ कंट्रीज से बैकग्राउंड कलर आ रहा था लाइट, मतलब कुछ कंट्रीज में लाइट थीम आ रहा था, कुछ कंट्रीज में डार्क थीम आ रहा था। वो किस तरह डिसाइड कर रहा था कि डार्क थीम, मैंने कोई बटन जो क्लिक नहीं करी थी, टाइम पे, ठीक है, वो खुद का वो देख रहा था कि अगर सुबह है तो वो लाइट थीम दिखा रहा था और अगर रात है तो वो डार्क थीम दिखा रहा था। हाँ तो वो ये भी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। क्या बताना था? अच्छा वो देखने से पहले एक और चीज़ देख, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है इस कोड में? कोई प्रॉब्लम? जो लोग सुस्त होंगे वो आसानी से गेस कर लें। रिपीटेशन, मुझे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी लिखना पड़ रहा है, ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है और हमने प्रोग्रामिंग का रोल क्या पढ़ा था? डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस ये रिपीटेशन चेंज ख़त्म करूँ, सही है। तो रिपीटेशन ख़त्म करने के लिए W3 schools, अच्छा W3 schools में हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में सिंपली ये गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सिलेक्टर वाली चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद वेयर टू में क्या है? वेयर टू में वही है सब कुछ कि आप जावास्क्रिप्ट ऐड कैसे कर सकते हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। उसके बाद आउटपुट के अंदर वही इनर एचटीएमएल वाली चीज़। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लोग नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो आपका पूरा एचटीएमएल पेज मिटा देता है, इसको नहीं यूज़ करेंगे। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये क्यों यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप बातें क्यों नहीं है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप कभी भी यूज़ करते हैं, मैं बताती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों नहीं यूज़ करते। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली सिंपल कॉन्सोल डॉट लॉग की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कॉन्सोल डॉट लॉग कॉन्सोल टैब के अंदर प्रिंट करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपकी एचटीएमएल पेज के ऊपर ही प्रिंट करता है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाय सेव, इसको आप देखिएगा मैं रिफ्रेश करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है हाय, ठीक है। मुझे इस तरह यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट नहीं करना, ठीक है। मुझे अगर क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये मैं यूज़र को शो करने के लिए तो मैं एचटीएमएल यूज़ करती हूँ ना। कॉन्सोल डॉट लॉग डेवलपर के लिए होता है कि अगर डेवलपर कोई चीज़ डीबग करना चाह रहा है, मतलब कोई चीज़ डायग्नोज करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो ये टू सीक्रेट होते हैं ना, आप जब कोर्स में लेंगे तब आपको पता था कि ये कुछ है, ठीक है। तो ये हमारे सीक्रेट टूल्स हैं। अगर आपको एज अ वेब डेवलपर आपको कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम डायग्नोज करनी है या कोई चीज़ देखनी है कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए आप कॉन्सोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने कभी, हाँ मैं भी यही सोची थी डिलीट नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है इन्होंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट को चेंज कर दिया, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट पूरा का पूरा पेज मिटा के और सिर्फ वो चीज़, हाँ मुझे नहीं पता कि रिमूव नहीं कर, हो सकता है मैक में नहीं होता हो, विंडोज़ में होता हो, आप लोग अपने पास करके देखिएगा। सब कुछ क्लियर हो रहा था? हाँ तो ये मैक का मसला, मैक के अंदर नहीं होता। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करेंगे तो ये सब कुछ फिट जाएगा और सिर्फ फाइल, ठीक है। अच्छा खैर ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ और है, सही है। तो इस वाले के अंदर आपको विंडो डॉट अलर्ट हमने पढ़ लिया था, कॉन्सोल डॉट लॉग पढ़ लिया था,
स्टेटमेंट्स हमें पता है क्या होती हैं, पता है ना स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कौन सा कॉमेंट्स हमें पता है क्या होते हैं, वेरिएबल्स वेरिएबल्स हमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ये जो रिपीटेशन हो रही है ना यहाँ पे, ये रिपीटेशन रिमूव करने के, सही है, ठीक है, सुन रहे हैं सब, ठीक है। तो रिपीट कौन सी चीज़ हो रही है, ये मिटाओ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बार बार रिपीट। तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं इस चीज़ को एक ही मरतबा किसी जगह पे सेव कर दूँ, ठीक है, जैसे जैसे आप फर्ज करें कि आप फर्ज करें कि आपने कोई बहुत ही मुश्किल सा पासवर्ड, ठीक है, तो जब भी आप आपको वो पासवर्ड यूज़ करना होगा तो आपको वो टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ही मरतबा वो पासवर्ड किसी जगह पे सेव कर दूँ और जब भी मुझे यूज़ करना हो मैं सिर्फ वो वाली चीज़ उठाऊँ, मुझे बार बार पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे, हम इस वाली चीज़ को एक ही मरतबा किसी जगह पर सेव कर देंगे और फिर जब भी हमें ये वाला काम करना होगा हम वो वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे लेट, बातें कौन कर रहा है, इसके लिए हम लिखेंगे लेट, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखूँगी बॉडी एलिमेंट इक्वल्स ये, सही है। यहाँ पे ये जो है वो उस चीज़ का नाम है जहाँ पे आपने सेव, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम सारा भी दे सकती हूँ, यहाँ पे मैं नाम टेक करो भी दे सकती हूँ, सही है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको कोई मीनिंगफुल नाम देना चाहती हूँ इसलिए मैं इसको बॉडी एलिमेंट नाम, ठीक है। और फिर इसको मैं कहीं पे भी जहाँ जहाँ पे मैंने वो यूज़ किया था वहाँ पे मैं बॉडी एलिमेंट, ये वाली बात समझ आ रही है, ठीक है। ये वेरिएबल्स की वीडियोस मैंने बना दी हैं आज या कल तक अपलोड हो जाए, ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैंने उसे बताया है, तो ये वाली चीज़ आपके लिए न्यू सही है, मैंने कंसोल लॉग से बताया था, हाँ लेकिन कौन सा की था कि रिपीटेशन रिमूव करने के लिए आप, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डार्क थीम पे क्लिक करूँगी तो ये डार्क हो जाएगा, लाइट थीम पे क्लिक करूँगी तो ये रहेगा, ठीक है। हमें करना क्या था, डे और नाइट करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब दिन का वक्त हो तो क्या थीम हो, लाइट लाइट, और जब रात का वक्त हो तो डार्क होना, या जैसे आप आपने अगर कोई बुक रीडिंग की ऐप यूज़ की हो तो उसमें ये होता है कि सुबह के वक्त वो लाइट थीम दिखाता है और रात के वक्त वो डार्क थीम दिखाता है, क्योंकि अगर आप रात के वक्त लाइट थीम में पढ़ेंगे तो आपकी आंखें, ठीक है। तो इस तरह मैं ये चाहती हूँ कि यूज़र को कोई बटन क्लिक ना करना पड़े बल्कि वो खुद ब खुद टाइम की बेसिस पे वो थीम चेंज करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए सबसे पहले तो हम सूडो कोड लिखेंगे, सूडो कोड पता है ना क्या होता है, क्या होता है सूडो कोड, क्या होता है, हाँ ओन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स के अंदर पहले सूडो कोड लिखूँगी, बताएं सूडो कोड क्या होगा, अपने समझने के लिए बताएं क्या होगा सूडो, सूडो कोड मैं बताती हूँ, सूडो कोड ये होगा कि अगर क्या, अगर रात हो, ठीक है, अगर रात हो तो चूज डार्क करो, सही है, वरना चूज लाइट करो, यही होगा ना सूडो कोड, ठीक है। अपने वर्ड्स में कुछ भी आप लिख लें कि आपको करना क्या है, अगर रात हो
तो डार्क चूज करो वरना लाइट चूज, ठीक है। अच्छा अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रात है या दिन? टाइम से पता चलेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइम टाइम कैसे हम देखते हैं? अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करें तो एक चीज़ आएगी जावास्क्रिप्ट डेट्स, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट डेट्स यूज़ करते हैं टाइम देखने के, ठीक है। तो अभी जो मैं चीज़ कराने करके दिखाऊंगी वो आपको 100% समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं ग्रुप ए को भी बोली थी, आप ये समझें कि कोई आप कुकिंग शो देख रहे हैं और कुकिंग शो में कोई बिरयानी बना रहा है, तो आपको हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं कि वो कैसे बिरयानी बना रहे हैं या कितने टेम्परेचर पर पानी बॉयल कर रहे हैं, आपको बस इंजॉयमेंट के लिए देख, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये दिन रात वाली चीज़ कैसे होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही 100% कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको आइडिया समझ आ जाएगा कि जावास्क्रिप्ट में आप किस तरह काम करें। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किए तो मैं कह रही हूँ अगर ये हो, अगर रात हो तो लाइट, तो चूज यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डिसाइड कर, डिसीजन ले, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि डिसीजन हम कैसे लेते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। जितना समझ आता है उतना समझते हैं, बाकी आपको ऐसे ऐसे समझ आ जाएगा, ये चीज़ मैं बार बार, ठीक है। अच्छा तो इंस्पेक्ट अभी आप लोग गौर से देखना है क्योंकि ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत डिफरेंट होगी। अच्छा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको जब भी डेट या टाइम चाहिए होता है तो उसके लिए आप डेट, एक चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी न्यू डेट। अब ये न्यू का क्या मतलब है ये आप नहीं पूछिएगा, फिलहाल आपको समझ नहीं आएगा, अभी आप सिर्फ देखें, सही है। तो अगर मैं लिखूँगी न्यू डेट तो ये क्या लिखा आ रहा है, ट्यूजडे जून 11, 2019। 17 का मतलब क्या है? अच्छा साढ़े सवा पाँच हो गया, मुझे लगा चार होगा। हाँ तो 17 आवर नंबर ऑफ आवर्स है, 18 नंबर ऑफ मिनट्स है, 52 नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं। GMT का मतलब क्या है? जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मतलब इंग्लैंड का जो टाइम है वो स्टैंडर्ड होता है, उससे हम 5 घंटे आ गए, ठीक है। और ये क्या है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो न्यू डेट है ये हमें ये सारी की सारी टाइम की इंफॉर्मेशन दे, सही है। और यहाँ पे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइम में से क्या चाहिए हमें? नहीं आप फर्ज करें कि यूजर ये चाहता है कि 8 बजे के बाद डार्क थीम हो वरना लाइट, सही है। रात के 8 बजे के बाद जैसे आप लोग ये जो रीडिंग की जो एप्स होती है उसमें आप सेटिंग्स पे जाके सेट कर देते हैं कि अगर टाइम 8 बजे के बाद हो तो थीम डार्क कर दो वरना लाइट। तो ये काम इस काम के लिए मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए इस पूरे उसमें से? आवर्स चाहिए, क्या चाहिए? आवर्स चाहिए। तो मुझे ये 17 चाहिए इस पूरे में से, ठीक है। ये मुझे कैसे मिलेगा, मैं गूगल पे जाऊंगी, मैं यहाँ पे सर्च करूंगी JS क्या JS डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जावास्क्रिप्ट डेट मेथड्स, इसे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, टाइम, डे वगैरह। हमें क्या चाहिए? आवर्स। ये मुझे वैल्यू देगा 0 से लेकर 23 तक, सही है। तो यहाँ पे कोड एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। कोड एग्जांपल में ये क्या कर रहा है, न्यू डेट को एक वेरिएबल के अंदर डाल रहा है। मैंने लेट यूज़ किया था, अब लेट की जगह var यूज़ कर सकते, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, d.getTime, ठीक है। मुझे गेट टाइम नहीं, क्या करना है, गेट आवर्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक
क्या आ गया 70. मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगी कहाँ पे, इधर. तो ये क्या है, अगर रात है तो चूज डार्क, वरना चूज लाइट. इसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं अपने सूडो कोड को. अगर टाइम अगर 8 बज चुके हैं, सही है, अगर 8 बज चुके हैं तो चूज डार्क, वरना चूज लाइट. यहाँ तक समझ आ रहा है? समझ आ रहे हैं? नहीं जी, बातें कौन कर रहे हैं? सही है. तो अब इसको, ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये आप लोग लिख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सूडो कोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे लिख लें. इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अगर और वरना. अगर 8 बज चुके हैं तो चूज डार्क, वरना चूज लाइट. अच्छा, अगर अच्छा यहाँ पे 8 नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 8 क्या होगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. है? तो अगर 20 बज चुके हैं, अब सही है? अब सही है, ठीक है. अगर 20 बज चुके हैं, वैसे अजीब लग रहा है 20 बज चुके हैं, अगर 20 बज चुके हैं तो चूज डाइट, वरना चूज लाइफ. ठीक है, लिखिए ये सब, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सूडो कोड बहुत इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं. अगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जावा स्क्रिप्ट में भी अगर को इफ ही बोलते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? इफ. अगर क्या? अगर क्या? अगर 8 बज चुके हैं तो जो क्या वाली चीज है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, सही है? अगर क्या? अगर 20 बज चुके हैं. मुझे कैसे पता चलेगा कि 20 बज चुके हैं या नहीं? मुझे वो न्यू डेट और गेट आवर्स करना है ना. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू डेट डॉट गेट आवर्स. बातें कौन कर रहा है पीछे? ठीक है, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स. मुझे ये देखना है कि क्या ये 20 से ज्यादा है या नहीं, यही चेक करना है, यही चेक करना है. ठीक है, तो मैथ्स में जब आप ग्रेटर देन और लेस देन पढ़ते थे तो क्या यूज करते थे? तो जावास्क्रिप्ट में भी वही ग्रेटर देन का साइन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अगर ये ग्रेटर है 20 से. समझ आ रही है? इजी है, मुश्किल है? इजी है. ठीक है, अगर ये ग्रेटर है 20 से तो अगर को इंग्लिश में, सॉरी, अगर को जावास्क्रिप्ट में कैसे ट्रांसलेट किया? इफ. अगर क्या? इस वाली चीज को 20 बज चुके हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट किया? ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, तो वाली जो भी चीज है ना, तो क्या करना है, ये चीज हम लिखेंगे ऐसे, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर तो वाली चीज लिखेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूज डाल. ठीक है, अगर 8 बज चुके हैं तो चूज डाल, वरना. वरना को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? एल्स. तो जावास्क्रिप्ट में भी वरना को एल्स ही बोलते. ठीक है, हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाद लिखेंगे एल्स. अब यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, एल्स को आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब एल्स के बाद कोई कंडीशन है? नहीं, कंडीशन जैसे ऊपर थी कि 20 बज चुके हैं, सूडो कोड में नहीं है ना, तो मुझे वो राउंड ब्रैकेट वाली चीज करने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे. ठीक है,
क्या वह मैं सिंपली ये बाहर क्या चल रहा है पता नहीं जी. अच्छा एल्स, अब एल्स के अंदर मैं क्या लिखूंगी, चूज लाइक. ठीक है तो अब ये पढ़ने आसान हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, मुश्किल लग रहा है आसान लग रहा है, आसान है, सिंपल इंग्लिश है, अंग्रेजी है. ठीक है अगर आठ बज चुके हैं तो चूज डार्ट, वरना चूज लाइक. जी सही बता, सही बोलिए, ये वाली चीज बताओ. जी ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है. ये सारे ये दोनों क्वेश्चन में जब मुझे यहाँ तक समझ आ गया. अभी हम ये चूज डार्ट कहाँ पे कॉल कर रहे थे, बटन्स के अंदर कर रहे थे. क्या अब हमें इन बटन्स की ज़रूरत है? नहीं. ठीक है मैं ये मिटा देती हूँ. सही है ये जो फंक्शन कॉल करने वाला काम है पहले हम ऑन क्लिक के अंदर कर रहे थे तो इसलिए बटन क्लिक करने पे हो रहा था. अब हम ऑन क्लिक के अंदर नहीं बल्कि इफ एल्स के अंदर कर रहे हैं, बल्कि इफ एल्स के अंदर कर रहे हैं तो ये काम अब ये इफ एल्स कर रहा हूँ. ठीक है सही है इसको सेव करते हैं. अच्छा यहाँ पे अभी कौन सी क्लास है, बॉडी के अंदर कोई भी क्लास. सही है अब हम वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं. अच्छा ये क्या है, अनकॉट रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बॉडी एलिमेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन. ठीक है सेव रिफ्रेश. अच्छा ये हम ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं फिलहाल के लिए. अच्छा ठीक है तो अब यहाँ पे देखें लाइट थी मारे क्यों, क्योंकि आठ बज चुके हैं. नहीं आठ नहीं बजे थे इसलिए लाइट थी मारे. दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, ये लाइट थी मारे. मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर से कोई दिया कोई क्लास दी थी. सब सो क्यों रहे हैं, आगे वाले सहरिश और क्या कौन है मानूर, आवाज़ नहीं आ रही आप लोग की. यहाँ पे मैंने कोई क्लास दी है नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी लाइट थीम आ रहा है. अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास लाइट. तो ये किसने दी इसे क्लास लाइट, जावास्क्रिप्ट में कहाँ पे मिली इसे, टाइम पे तो मैंने चेक किया, इफ ने दी या एल्स ने दी, एल्स. ठीक है मैं चेक करना, मैं देखना चाहती हूँ कि ये कोड एक एक लाइन करके कैसे रन कर, मतलब मैं इसको प्रॉपर देखना चाहती हूँ कि क्या इफ के अंदर जा रहे नहीं जा रहा, क्या एल्स के अंदर जा रहे नहीं जा रहा. उसके लिए मैं क्या करूँगी, सोर्सेस. मैं यहाँ पे सोर्सेस के अंदर आऊँगी. अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट कहाँ पे लगाऊँ, फोर पे लगा दूँ, फोर पे लगा दूँ. सही है फोर पे लगा दूँ, इफ इफ से चेक करना है ना मुझे. ठीक है अभी ये रन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कोड स्टॉप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कोड ऑलरेडी चल चुका है. कब चला था ये कोड, आठ बजे से पहले नहीं चला था ये, जब पेज रीलोड किया था तब चला. ठीक है तो पेज को रीलोड करते हैं. जो चीज़ आप फंक्शन के अंदर डालते हैं ना वो सिर्फ तब चलती है जब फंक्शन चल रहा हो, लेकिन ये मैंने फाइल के अंदर ऐसे ही डाल दिया था तो जब पेज लोड किया था तो ये चलता भी चल गया. ठीक है तो अब मैं पेज लोड रिफ्रेश करूँगी, यहाँ पे आके स्टॉप. ठीक है अभी कौन सा थीम अप्लाई हुआ है यहाँ पे, कुछ भी कोई भी थीम नहीं है. ठीक है अब यहाँ पे ये इफ पे आके अटक गया. ठीक है मैं यहाँ पे नेक्स्ट का बटन क्लिक करूँगी, क्या इफ के अंदर आएगा या एल्स के अंदर आएगा. ठीक है तो अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ये वाली लाइन स्किप करके ये डायरेक्ट इस वाली लाइन पे. ठीक है नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये फॉरन से कहाँ पे आ गया, चूज लाइन. ठीक है तो हाँ इसलिए क्योंकि अभी चूज लाइट चला नहीं, चूज लाइट पे आके अटक गया है. अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तब चूज लाइट चले, है ना. तो अब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये येलो.
है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि सोर्सेज में आपको लाइन वन बाय वन करके आना चाहिए करना, क्योंकि अब आपको आप देख रहे हैं कि इफ के अंदर नहीं जा रहा, एल्स के अंदर आ रहा है, तो ये वैसे आप नहीं देख पाएंगे। हाँ, तो ऐसा ऐसा आपको इसका मजीद जब हम लूप्स पढ़ेंगे ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये स्टेप बाय स्टेप चलाने का आपको तब होगा जब हम लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स बहुत मज़े, बहुत बहुत मज़ा आएगा लूप्स पढ़ने में, ठीक है। लूप्स बहुत आसान है, आप लोग घर में पढ़ के देखिएगा, बहुत आसान है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, आसान ये वाला आसान लग रहा है। इफेक्ट्स पढ़ा था पहले, इफेक्ट्स मुश्किल लग रहा था, लूप्स आसान बना दूँ, ठीक है, नहीं नहीं लग रहा, सही है। तो ये इस तरह हो गया। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा डे ड्रीमिंग करते हैं। इमेजिन करें कि आप नॉर्वे में रहते हैं, सही है, और नॉर्वे में सुबह होती, सॉरी रात होती है 2 बजे। देखते हैं नॉर्वे में मगरिब का टाइम क्या है। नॉर्वे मगरिब टाइम, ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही है। कहाँ पे बहुत 10:37 PM पे मगरिब का टाइम है। आई थिंक इनकी जो विंटर्स होती है ना, सर्दियों के दिनों में ना इनकी बहुत जल्दी रात है, 2-3 बजे रात हो जाती है इनके पास, सुबह कोई 2-3 घंटे बस। एक और है, कौन सा कंट्री है वो, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, आयरलैंड। आयरलैंड ट्राई करते हैं, आयरलैंड मगरिब टाइम। बातें नहीं करें प्लीज। अच्छा, इनकी शायद समर्स बहुत लंबी हो, समर्स में इनके दिन कुछ एक्स्ट्रा लंबे होते हैं, इनका मगरिब 10 बजे हो रहा है, और विंटर्स में इनका दिन बहुत छोटा होता है, 2-3 घंटे। मुझे सिटी का नाम चले, ठीक है। इमेजिन करें कि सर्दियों का मौसम है और बर्फबारी हो रही है और आप नॉर्वे, ठीक है, तो और वहाँ पे रात हो रही है 3 बजे, ठीक है, रात हो रही है 3 बजे, तो 3 यहाँ पे क्या नंबर आएगा, चले फर्ज करें कि यहाँ पे अभी 5 बजे है ना, फर्ज करें कि 5 बजे रात हो, ठीक है, तो 4 बजे रात हो रही है बल्कि, तो क्या करते हैं 14 कर देते हैं, 16 होगा, 16, ठीक है, 16 का मतलब 4 PM, सही है। तो अब यहाँ पे इफ चलेगा या एल्स चलेगा, चलेगा, क्योंकि क्या गेट आवर्स में क्या आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे हमने जब देखा था तो कहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे कॉन्सोल पे जाके चेक कर रहे थे, newDate.getHours 17 है ना, क्या 17 ग्रेटर है 16 से, yes. हाँ, तो इफ चलेगा एल्स चलेगा, इफ चलेगा, तो हम इसको चला के देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे इफ़ पे आके ही अटक गया, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो इफ़ के अंदर आएगा ना, ठीक है, देखिए इफ़ के अंदर आया और ये चूज डार्ट, सही है, और ये एल्स पे नहीं आया, फ़ौरन से फाइल के एंड पे आ, सही है, समझ आ रही है सबको, नहीं आई किसको नहीं आई, रिपीट कर दी, नहीं टाइम तो पाकिस्तान किससे रखा है, तो इसीलिए newDate.getHours की वैल्यू क्या आएगी, अभी 5:30 बजे तो आवर्स में क्या आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, क्या 17 ग्रेटर है 16 के या नहीं, ये सच हो गया ना, ठीक है, तो अगर ये चीज़ सच है तो चूज आर करो वरना चूज आर, ठीक है, अब समझ आ रही है सबको। न्यू कमर साहब के नाम क्या है, मलाइका, अलैन, अच्छा अलैन, और आप,
लेना इतना समझ आ रहा है ठीक है. मुश्किल लग रहा है आसान लग रहा है? वैसे देखने में तो बहुत आसान है ना, मतलब देखने में इंग्लिश ही लग रही है आसान, आगे इंग्लिश नहीं लग रही है ना. एफ है, एल से, ठीक है, सही है. तो ये इफ एल्स आज का टॉपिक, प्लीज बातें नहीं करें. इफ एल्स आज का टॉपिक नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था, तो इसलिए कराने में हर्ज नहीं था. जावास्क्रिप्ट बहुत आसान है. अभी मुश्किल लग रही है आप लोगों को? अच्छा पहली दफा में मुश्किल लग रहा है, कल आपको आपको लग रहा है कि कल भी आपको इतना ही मुश्किल लगेगा? नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस. अच्छा जावास्क्रिप्ट तब मुश्किल लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस ही हो, ठीक है. अभी आप लोग न्यू है तो ऑब्वियसली आपने पहले नहीं किया ये काम, तो मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान. अच्छा प्लीज बातें नहीं, बातें नहीं. सूडो कोड कमेंट के अंदर, सूडो कोड कमेंट का मतलब होता है रफ, ठीक है. जो भी कमेंट, ये कमेंट समझते हैं, कमेंट समझते हैं ना, कमेंट वो चीज होती है जो रफ हो, ठीक है. ब्राउजर इसे वेब ब्राउजर इग्नोर करता है, तो मैं कमेंट पे चाहे उल्टे सीधे सॉन्ग्स लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, ब्राउजर को कोई फर्क नहीं, ठीक है. ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि मुझे अलग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के टाइप ना करना पड़ा है मैं अपने कोड के, सही है. अच्छा एक और चीज़ फर्स्ट करें कि शाम के पाँच बजे रात हो, फर्स्ट करें कि 5 बजे रात हो, ठीक है. तो 5 का मतलब क्या है? 17. तो हमारी इस वाली अजम्पशन के मुताबिक अभी रात हो चुकी होनी चाहिए, है ना. सो क्या डार्क थीम होना चाहिए या लाइट थीम होना चाहिए? डार्क, क्योंकि रात हो चुकी है, ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँगी तो देखेगा रात नहीं बल्कि दिन हो रहा हो, सही है, ठीक है. और अगर मैं इंस्पेक्ट पे जा, सब सुन रहे हैं, अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाके सोर्सेस, जी हाँ, 17 हमने यहाँ पे 17 लिखा है, ठीक है. 17 का मतलब है 5, ठीक है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आवर्स ग्रेटर है 17 से, ग्रेटर तो ये ना इक्वल है ना, ठीक है. ये चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे सोर्सेस में भी जाके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें इफ़ के अंदर आएगा, एल्स के अंदर नहीं जाएगा, सॉरी एल्स के अंदर जाएगा इफ़ के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सही नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है. तो मुझे इसको ये नहीं कहना कि अगर ग्रेटर देन 5 है, बल्कि मुझे क्या कहना है, ग्रेटर या इक्वल, बड़ा हो या इक्वल, ठीक है. तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में हम सिंपली ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए नई चीज़ है, लेकिन इतनी आसानी से देख के ही समझ आ रही है कि क्या समझ आ रही है, देख के, ठीक है. सेव रिफ्रेश. अब जब मैं रिफ्रेश करूँगी तो डार्क होगा लाइट होगा? डार्क, सही है. नहीं, गेट आवर्स की वैल्यू क्या है? अगर आप मिनट्स भी कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिर सेव, ठीक है. अच्छा आखिरी चीज है बस, इसके बाद सही है, 10 मिनट पहले छुट्टी मिलेगी आ जाओ. अच्छा तो अच्छा ये कह रही हैं कि हम मिनट्स क्यों नहीं चेक कर सकते हैं ना, ठीक है.
देखा जाए तो 5 तो बच चुके हैं, 5 से ग्रेटर है आवर्स, आवर्स इक्वल है लेकिन मिनट्स तो ग्रेटर है ना, ऐसा क्या ना, मिनट्स तो ग्रेटर है, तो कैसे चेक करूँ अभी के लिए मेरे हाथ में ज़्यादा हो जाएगा है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं हिंट भी देती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो घर जाके कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हिंट ये है, सूडो कोड लिख के दे देती हूँ, ठीक है, सूडो कोड लिख देती हूँ, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। सूडो कोड ये है, मैं आज क्योंकि इसको एडिट नहीं करा था, मैं आज जाते घर जाते ही कर, ठीक है। अच्छा अब हम इसको ये मिनट्स वाली चीज़ करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सूडो कोड को इम्प्रूव करते हैं, क्या लिखूँ सूडो कोड में, अगर अगर क्या अगर आवर्स 20 अगर फर्स्ट करें कि मगरिब का टाइम 5:50 सही है, तो फिर क्या करें, अगर मगरिब का टाइम 5:50 पे है तो हमारा सूडो कोड क्या बनेगा, सूडो कोड क्या बनेगा, सूडो कोड अगर अगर 20 5 बज के ना, अगर 5:50 बज चुके हैं, यही होगा ना, मैं अभी बताती हूँ, तो चूज डार्क, सब सुन रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, वरना चूज लाइट, ठीक है। तो अब हमारा सूडो कोड क्या होगा, अगर 5:50 बज, अच्छा 5 की जगह मैं क्या लिखूँ, 17, ठीक है, अगर 17:50 बज चुके हैं तो चूज डार्ट, वरना चूज लाइट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके लिखते हैं, अगर आवर्स 17 या उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, ठीक है, अगर क्या क्या, अगर आवर्स 17 या उससे ज़्यादा और मिनट्स 50 या उससे ज़्यादा हैं, बच चुके हैं तो चूज डार्ट, सही लिखा है, न्यू डे में करेंट टाइम, अगर करेंट टाइम में आवर्स 17 या उससे ज़्यादा हो चुके हैं और मिनट्स 50 या उससे ज़्यादा हो चुके तो चूज डार्ट करो वरना चूज लाइट, क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो चूज डार्ट होने के लिए क्या एक का ट्रू होना काफ़ी है, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, आवर्स 17 या उससे ज़्यादा एंड मतलब और मिनट्स 50 या उससे ज़्यादा, सही है। एंड इंग्लिश में एंड बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में एंड को बोलते हैं, इंग्लिश में एंड को लिखते कैसे हैं, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही करते हैं लेकिन दो मिनट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एंड इस तरह लिखते हैं, ईजी है, नई लैंग्वेज सीखने का थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा लिखने का लेकिन आसान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इफ जी हाँ ये कैसे लगाएंगे मैं अभी बता, कैसे लगाएंगे अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, आवर्स 15 या उससे ज़्यादा हैं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, क्या लिखूँ आगे,
ग्रेटर या उससे ग्रेटर या इक्वल है 17 के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, ये ठीक है? Yes. सही है. इसको ट्रांसलेट करें मिनट्स 50 या उससे ज़्यादा है. न्यू डेट डॉट गेट मिनट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50. सही है, सही है. Yes. ठीक है. अब तो अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट था इसके अंदर सिर्फ ये नहीं आएगा बल्कि मिनट्स वाली चीज़ भी आएगी, है ना? तो और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आएगा. तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिखूँगी न्यू डेट. गौर से देखिएगा, ये वाली चीज़ आखिरी है लेकिन गौर से देखिए. डॉट गेट मिनट्स, यहाँ पे मुझे सजेशन से भी आ रहा है गेट मिनट्स. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50. सही है. अब यहाँ पे मैंने इसको एंड नहीं दिया है ना, मुझे कहना है कि अगर डेट डॉट गेट आवर ग्रेटर इक्वल टू 17 एंड न्यू डेट डॉट गेट गेट मिनट्स ग्रेटर इक्वल टू 50, तो यहाँ पे मैं एंड किस तरह लगाऊंगी? डबल. ओ ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं एंड कैसे लगाऊंगी? डबल एंड. मुश्किल है? करके देखें. सेव. अभी टाइम क्यों हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है, ओ 48 हो रहा है. ठीक है. नहीं, मेरे कंप्यूटर का टाइम लेगा नहीं है, तो मेरे कंप्यूटर में 48 हो रहे हैं. आप लोगों का टाइम आगे है क्या? मेरे फ़ोन पे भी 48 हो रहे हैं. तो आपको लग रहा होगा मैं हमेशा लेट आती हूँ, जबकि मैं एग्जैक्ट टाइम पे आती हूँ. मैं एग्जैक्ट 2 बजे आती हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा मैं हमेशा 5 मिनट लेट. अच्छा खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जल्दी से देखते हैं इससे पहले कि 50 हो जाए. ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करूँगी तो क्या आना चाहिए? लाइट आना चाहिए ना. अच्छा, ये ब्रेक पॉइंट पे अटक रहा है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं. लाइट आना चाहिए मतलब एल्स के अंदर जाना चाहिए. एल्स के अंदर गया और ये बाहर. सही है. अगर अभी मैं यहाँ पे लिखूँ ये वाली कंडीशन, मैं यहाँ पे कॉपी करके चेक करती हूँ. ठीक है, इस वाली कंडीशन को कॉपी किया, इसको कहते हैं कंडीशन. ठीक है, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज से कंडीशन बोल. तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे कंसोल में पेस किया तो क्या आ रहा है? फॉल्स. अभी देखिएगा एक मिनट बाद ये फॉल्स से ट्रू हो जाए. ठीक है, एक मिनट वेट कर, तब तक आ तक पानी वानी पी रहे हैं. एक मिनट जो भी. गुड क्वेश्चन आया एक. 50 हो गए? 50 नहीं हुआ. एक क्वेश्चन आया कि ये तो हमारे कंट्री का टाइम है ना, तो अगर कोई किसी और कंट्री में यूज कर रहा होगा तो उसका टाइम हम कैसे देखें? तो जो भी जिस कंट्री में भी रहते हुए यूज करेगा वो उसके कंट्री उसके कंप्यूटर से ही टाइम उठाएगा. सही है. तो अगर अगर कोई लंदन में बैठा हुआ खोल रहा है तो उसके कंप्यूटर पे टाइम इस वक्त हो रहा होगा 1 PM, 1 PM या 2 PM हो जाए, तो वो उसी हिसाब से उसको लाइट के डार्क शो करें. ठीक है. अच्छा, 50 हो गए. हमने कहा था कि ग्रेटर सब यहाँ पे देखें, जल्दी से यहाँ पे देखें. यहाँ पे 50 हो रहे, हमने कहा था कि ग्रेटर या इक्वल दोनों चलेगा. ठीक है, तो अब हम पहले तो ये कंडीशन दोबारा से ट्राई करते हैं. क्या आ रहा है? True. मतलब इफ ट्रू होना चाहिए और क्या चलेगा? चूज डार्क. इसको नेक्स्ट करते हैं, चूज डार्क पे आया और ये जावास्क्रिप्ट अच्छी है या बुरी है? अच्छी है. अच्छी अगर आप लोग प्रैक्टिस ही करेंगे तो आपको रोज रात में आके डराएगी. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको रात को सुकून की नींद आए तो इसलिए रोज जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सही है. बस अटेंडेंस हो गई सबकी?